So welcome back to your online digital platform, Steadiness. In the last video, we were doing uh, the third level from your English book Vistas, and we have done till uh, <coughs> the place where this uh, narrator went. He was looking for a third level, and people when he uh, told this to his psychiatrist friend, he and other friend told him that it was uh, his way of escaping his worry troubles and his fears. तो अब वो उसके फ्रेंड्स ने बताया कि वो उसको डर से भाग के उसने कल्पना कर ली थर्ड लेवल की और लेकिन एक दिन जब इसको अपने घर जाने की जल्दी थी तो ये वहाँ पहुँचा स्टेशन पे और बदकिस्मती से और किस्मती से ये थर्ड लेवल पे पहुँच गया थर्ड लेवल पहुँच के इसने कुछ चेंजेस देखे विच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो देर वॉज कि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन uh, बूथ थे वो छोटा था लकड़ी का बना हुआ था ट्रेन गेट्स कम थे और टिकट विंडोज़ कम थी ये सारी चीज़ें थी लाइट डिम थी गैस लाइट चल रही थी इसका मतलब ये पुराने जमाने की बात है देर वॉज अ ब्रास स्पिटॉन्स स्पिटॉन मतलब जिन पर हम लोग थूकते हैं वो ब्रास के बने थे आजकल कोई नहीं होता आजकल प्लास्टिक ही यूज़ होता है एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइक कॉटमा आइज अ मैन वक्स पुलिंग स्टेशन की तरफ इसको एक <coughs> एकदम से अचानक कोई लाइट चली तो इसने देखा एक आदमी अपनी वॉच पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम इज वेस्ट पॉकेट वेस्ट पॉकेट के अब जल्दी कोई यूज नहीं करता है और उस समय लोग कपड़े पहनते थे वेस्ट पॉकेट होती तो अपनी गोल्ड वॉच निकाल रहा था पहले जमाने में लोग अपनी घड़ी अंदर रखते थे अब नहीं रखते हैं ये सारे चेंजेज हैं जो बताते थे कि वो अब थर्ड लेवल में है ये रिमेंबर दीज चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट ही स्नैप ओपन द कवर घड़ी पे कवर अब नहीं होता पहले होता था उसने कवर खोला ग्लैंस डेट इज वॉच एंड फ्राउन और थोड़ा सा वो परेशान हो गया वायरड हो गया एंग्री हो गया ही जो होते हैं वो फ्रंट पार्ट कोट जैकेट में होता है जो फोल्डर होते हैं और वो वो वैसे कपड़े पहने था ये कपड़े भी पुराने जमाने में थे इस जमाने में लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते तो दीज वर द दीज आर वी चेंजेस दैट ही विटनेस ये सारे चेंजेस उसने देखे थे जो आज नहीं होते हैं जो पहले जमाने में होते थे I looked around and and sorry he had a big black hand uh, handlebar mustache handlebar mustache जो ऊपर की तरफ होती है then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1819 something so everybody was dressed up as it was the late 18s or the early 19s ऐसे uh, उसमें dress पहनते जो उस समय लोग पहनते थे 18वीं या 19वीं शताब्दी में I never saw many beards sideburns sideburns जो यहाँ तक आती हैं और uh, जब बाल यहाँ तक आ जाते हैं लोग रखते हैं ऐसे लंबे लंबे साइड बोल्स अपने और इतनी बड़ी बड़ी मुस्ताज इतनी दाढ़ी उसने नहीं देखी थी अगर आप आज के पीरियड से कंपेयर करें तो फिर दाढ़ी का एक वो आ गया है फैशन आ गया है अ वुमन अ वुमन वॉक इन थ्रू द प्रेम गेट शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मार्टन स्लीव वो मटन स्लीव की ड्रेस स्लीव uh, uh, वाली ड्रेस पहने थी स्कर्ट टू द टॉप ऑफर हाई बटन शूज हाई बटन शूज जिसके शूज थे उसमें हाई बटन थे और वो ऐसी ड्रेस पहन के आई थी बैक ऑफर आउट ऑन दैक आई कॉट द ग्लैंड ऑफ अ लोकोमोटिव लोकोमोटिव भी अब डीजल लोकोमोटिव या कोल लोकोमोटिव पहले चलते थे अब नहीं चलते अब सारे इलेक्ट्रिक होते हैं अ वेरी स्मॉल करियर एंड ईज लोकोमोटिव पुरानी कंपनी है और जो उसके लोकोमोटिव विद अ फेप स्टॉक जिसमें एक सी लगी थी फाइनल शेप जिससे धुआं निकलता है तो ये लोकोमोचिस अब नहीं चलते तो इसका मतलब वो उस थर्ड लेवल में सच में था या कल्पना कर रहा था एंड देन आई न्यू और तब उसको पता चला कि वो थर्ड लेवल में है टू मेक श्योर आई वॉक ओवर अ न्यू न्यूज बॉय एंड ग्लैस एट द स्टैक ऑफ पेपर एट एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास पहुंचा उसके पैरों के पास कुछ कागज न्यूज़पेपर पड़े थे उसने उसकी तरफ ध्यान दिया इट वॉज द वर्ल्ड 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 न्यूज़पेपर अब नहीं आता पहले आता था कभी यानी ये सारे चेंजेज इसने देखे एंड द वर्ल्ड हैज एन बिन पब्लिश फॉर ये और कई सालों तो पब्लिश ही नहीं हो रहा था द लीड स्टोरी सेट सम अबाउट प्रेजिडेंट क्लिवलैंड क्लिवलैंड के लिए उसमें प्रेजिडेंट था जो उस समय प्रेजिडेंट थे आज नहीं थे ये क्लिवलैंड शायद करीब करीब अट्ठारह सौ चौरानवे में राष्ट्रपति थे तो आज के नहीं थे तो उसमें न्यूज़ थी उस पीरियड की बाद में इसको ये अखबार का पहला पन्ना एक लाइब्रेरी में भी मिल गया जिसपे लिखा था जून इलेवन एटीन नाइनटी फोर तो ये किस समय पहुंच गया पास में पहुंच गया एटीन नाइनटी फोर में या उसके आस पास के किसी साल में टर्न डाउन द टिकट इन नोइंगट ईयर ऑन दर्ड लेवल एट ग्रैंडा एंड मी एनीर इन दूनाइट से अब इसने टिकट विंडो पहुंचा इसने सोचा टिकट ले लेते हैं और अपनी वाइफ के साथ लुइसा के साथ कहीं भी अमेरिका में जा सकते हैं इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड टू टू गर्ल्सबर्ग अब ये वहाँ पे इलिनस के लिए गेल्सबर्ग के लिए टिकट लेना चाहता था वहाँ जाना चाहता था हैव यू एवर बीन there? अब रेटर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप कभी वहाँ गए इलिनस में या फिर गेल्सबर्ग में It's a wonderful town still. Still means पहले भी wonderful था 1894 और आज भी बहुत अच्छी जगह है. ह्यूज लॉन्स बड़े बड़े लॉन्स हैं ट्रेमेंडस ट्रीज ब्रांचेज मीट ओवर बड़े पेड़ हैं branches overhead, बड़े -बड़े जिनकी ब्रांचेज ऊपर ही मिल जाती हैं. एक तरह से कैनोपी sort of बना देती हैं एंड एटीन नाइनटी फोर अब ये कल्पना कर रहा है एटीन नाइनटी फोर में इसकी लाइफ में अब हम लोग ये मान सकते हैं कि इसके मन में 1894 का के विषय में बहुत सारी बातें हैं जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए सोचते हैं ऐसा बहुत बार होता है जब आप हिस्ट्री बुक पढ़ते हैं तो हम लोग पास्ट में चले जाते हैं स्टैम्प कलेक्टिंग भी एक ऐसी ही एक्टिविटी जो आपको पास्ट में ले जाती है और बहुत सारे कलेक्शन ऐसे हैं जो आपको पास्ट में ले जाते हैं आप उसके विषय में पढ़ते हैं और आपको लगता है उस समय कैसा होता तो है ये हमारे एक दिमाग में बने रहते हैं और कई बार हम लोग उनकी कल्पना करने लगते हैं अब यहाँ पे ही इज लाइक इमेजिनिंग इज़ थिंकिंग अबाउट एटीन नाइन्टी वो यहाँ पर कल्पना कर रहा है ये समर इवनिंग व ट्वाइज एज लॉन्ग समर की जो शाम है बहुत बड़ी बड़ी होती थी एंड पीपल सेट ऑन द लॉन्स पीपल लॉन्च से बैठ जाते थे मैन स्मोकिंग सिगार लोग सिगार पीते थे एंड टॉकिंग क्वाइटली धीरे धीरे बात करते थे द वुमेन वेविंग पाम लीफलेंस और कढ़ाई बुनाई करती थी लेडीज बैठे एंड द फायर फ्लाइज फायर फ्लाइज जुगनू जो इधर उधर उड़ते रहते थे यानी दुनिया बहुत अच्छी थी लोग अपने काम में व्यस्त थे लेडीज़ अपने मन चाहे काम कढ़ाई बुनाई सिलाई कर रही थी आजकल वो नहीं करते आजकल तो मोबाइल और इतनी सारी चीज़ें आ गई तो बहुत सारे चेंजेज आ गए टू बी बैक देर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल ट्वेंटी ईयर्स ऑफ आपको याद होगा नाइनटीन फोटीन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगा लड़ा गया था और चालीस साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था तो अभी सब कुछ बहुत दूर था यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी बहुत दूर था करीब 20 साल दूर था 1894 में हम लोग हैं और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था आई वॉन्ट टू टिकट फॉर दैट इसको अब दो टिकट लेनी थी कि ताकि अपनी वाइफ को लेकर वहाँ जा सके द क्लर्क फिगर्ड द फेयर जो क्लर्क बैठा था उसने जो उसने करेंसी दी उसकी तरफ देखा ही ग्लैंस एट माई फैंसी हैंड बैंड इसके हाथ में जो हैंड बैंड लगा था उसकी तरफ देखा क्योंकि वो इस ये तो आज की दुनिया का है लेकिन ये चला गया पीछे की दुनिया में जब आप आज आप पीछे की दुनिया का कोई आदमी देखें तो आपको उसको कपड़े देख के हंसी आएगी और आज का आदमी वहां पहुंच जाएगा तो उसको आपके कपड़े देख के हंसी आई तो थी उस समय तो फैंसी हैंड बैंड होते नहीं थे उसने देखा इसकी तरफ और उसने देखा पैसे की तरफ एंड आई हैड इनफ फॉर टू कोच टिकट और इसको लगा इसके पास काफी पैसा है कि दो टिकट तो आराम से ले सकता एक तरफ की कम से कम बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप द क्लर्क ऑस्रिंग एट मी लेकिन जब इसने पैसे काउंट किए तो देखा क्लर्क इसी की तरफ देख रहा है क्यों देख रहा भाई ही नोडेड एट द बिल्स और उसने बिल्स की तरफ देख के सर हिलाया दैट आठ मनी मिस्ट उसने कहा ये पैसे नहीं है क्या मतलब हुआ इसका इसका 1894 में करेंसी नहीं थी जैसे कि हम लोग क्या नोट बंदी के पहले के नोट आप सौ साल बाद किसी को दिखाएंगे तो वो कहेगा कि ये नोट तो कभी चलते ही नहीं थे आप कभी पुरानी करेंसी मिल जाती है आप किसी दुकानदार को दें तो आपसे लेगा थोड़ी वो कहेगा तो चलती नहीं थी तो 1894 में जो करेंसी थी वो इसके पास नहीं थी इसके पास आज की करेंसी थी एंड इफ़ यू आर ट्राइन टू स्किन मी यू वोट गेट वेरी फार है उसने कहा तुम मुझे धोखा देने की कोशिश करो स्किन मी में इसकी मुझे तुम धोखा देने की कोशिश कर रहे हो मुझे चीट करने की कोशिश करो तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉवर बिसडमी तो उसने जो कैश ड्रॉवर थी उसके पीछे नजर डाली और शायद वहाँ पर कोई पुलिस उलिस वाले खड़े होंगे ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल और इसके वहाँ पर दिखाई पड़ा कि जो पैसे वहाँ रखे थे वो पुराने ज़माने के पैसे थे हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज और पहले बड़े बड़े नोट हुआ करते थे जो आज यूज करते उससे बड़े ज्यादा आधे बड़े थे एंड डिफरेंट लुकिंग और उनके जो लुक थी वो भी दू, दूसरी थी और टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट जल्दी से वहां से भाग गया क्योंकि इसको लगा कि अट्ठारह में भी जेल जेली होगी सब कुछ बदल सकता है लेकिन जेल जेली वहाँ तब भी थी और आज भी वैसे है एंड दैट वॉज दैट तो इस तरह से इसने प्रूफ कर दिया कि यह थर्ड लेवल में गया था कैसे प्रूव किया इसने करेंसी इसने देखी वहां के लोग इसने देखे स्टेशन पे जो चीजें थी उसने देखी सब कुछ बदल गया था जो आज था वो वैसा नहीं था आई लव द सेम वे आई केम और जैसे ही आया था वैसे ही वापस चला गया आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आर आई ड्रू थ्री हंड्रेड डॉलर आउट ऑफ द बैंक अगले दिन दोपहर में लंच के बाद इसने तीन डॉलर जो थे बैंक से निकाले नियरली ऑल वी हैड एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी ये सारा पैसा था जो उसका बैंक में पड़ा था और इसने ओल्ड करेंसी खरीदी बहुत सी ऐसी शॉप होती है जहां पे आप जाएं और आप ओल्ड करंसी खरीद सकते हैं आर रियली वरिड माई साइकेट्रिस फ्रेंड जिससे इसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था बहुत परेशान हो गया कि अपना सारा पैसा क्यों खर्च करके बेकूफ है पुरानी करंसी ले रहा है जिसका तो कोई यूज ही नहीं है अब आप पुरानी करेंसी तो कहीं चला नहीं सकते हैं यू कैन बाय ओल्ड मनी है ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर आप किसी भी कॉइन डीलर पास जाएँ तो आपको ओल्ड मनी मिल सकता है बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम लेकिन आपको इसके लिए ज़्यादा पुरानी चीज़ें एंटीक हो जाती हैं जो उनके दाम होते हैं उससे ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है मैं थ्री हंड्रेड डॉलर बॉट लेस देन टू हंड्रेड इन ओल्ड स्टाइल बिल और इसके जो पैसे थे उसने तीन सौ डॉलर से इसने टू हंड्रेड डॉलर का हुआ यानी सौ डॉलर का इसको लगभग नुकसान हो गया बट आई डेंट केयर थर्टीन सेंट अ डीन नाइनटी को इसको लगा कि उस समय तो महंगाई थी नहीं अगर ये उस जगह पहुंच भी जाता है एटीन नाइनटी में तो एग्स जो थे वो थर्टीन सेंट सेंट छोटी करेंसी होती है डॉलर से तो इसको कोई चिंता नहीं थी बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल दो आईव ट्राइड ऑफन न आ वो बाहर निकल आया तो उसको वो जगह दोबारा अपनी लाइफ में कभी नहीं मिली एज आई टोल्ड यू थर्ड लेवल जाने का एक ही मौका मिलता था लाइफ में और ये वो मौका वहां पे जा चुका था बदकिस्मती से इसके बाद ओल्ड करेंसी नहीं थी इसलिए ये आगे यात्रा नहीं कर पाया इसको वापस आना पड़ा अब ये लाइफ में दोबारा वहाँ नहीं जा पाएगा लूसा वॉज प्रिटी वाइडेड वेन आई टोल्ड ऑल दिस एंड डिड नॉट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोल लूसा जो थी बहुत ही परेशान हो गई जब उसको पता चला उसने कहा तुम थर्ड लेवल की कोच कभी मत करना एंड आफ्टर अ अवाइल आई स्टॉप और इसने भी कोच करनी बंद कर दी आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प अपनी स्टैम्प कलेक्शन फिर स्टार्ट कर दी उसी में बिजी हो गया बट नाउ वी बोथ व लुकिंग एवरी वीकेंड लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि हर हफ्ते अब थर्ड लेवल में दोनों हस्बैंड वाइफ ढूंढने लगे जाके क्या हुआ बिकॉज नाउ वी हैव अ प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल दैट क्योंकि अब इसके पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल सही में है वो क्या प्रूफ था डिस इसका जो एक दोस्त था बहुत अच्छा दोस्त था सैम जो एक शहर का लड़का था वो डिसअपियर हो गया अचानक गायब हो गया किसी को नहीं मालूम वो कहाँ बट आई बट हाईट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स सिटी बॉय एंड यूज टू टेल गेल्सबर्ग इसको लगा सैम जो शहर में रहता है वो गेल्स की ये हमेशा उसको गेल्स की बात बताता रहता था तो इसको लगा कि उसके मन में भी कुछ विचार आए होंगे गेल्स के आई वेंट टू स्कूल दैट जिसने बताया वो वहाँ स्कूल पढ़ने जाता था किसने बताया नरेटर ने ना सैम को बताया था एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस और सैम ने हमेशा ये माना कि उसको भी वो जगह जिस तरह से बताता है बहुत पसंद आती है एंड दैट्स वेयर ही इज और इस तरह से सैम उसी दुनिया में चला गया 1894 में जो उसका दोस्त चार्ली उसको बताता रहता था बिकॉज वन नाइट फजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन एक रात जब अपनी ये इकट्ठे के स्टैंप्स पे नजर डाल था, रहा था उनको ढूंढ रहा था आई फाउंड वेल डू यू नो वाट अ फर्स्ट डे कवर इज इसको क्या मिला फर्स्ट डे कवर हमने आपको बताया था आई टोल्ड यू कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है जब पहले दिन जब एनविलप मिलता है और पह, उस पर आप जो स्टैंप इशू होता है उसको लगा के उसके अंदर बिना कुछ डाले कोई लेटर नहीं होता अपने ही एड्रेस पे पोस्ट कर देते हैं जब उसके पोस्टल स्टैम्प लग जाती है वो आपके घर आता है एनविलप तो वो वैलिड हो जाता है अदरवाइज जो जिसपे मोहर ना हो वो स्टैंप कलेक्शन में मायने नहीं रखते उनके मायने नहीं होते इंपॉर्टेंट क्या है स्टैम्प बिकम इंपॉर्टेंट इफ इट गेट्स द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस अ स्टैम्प इज इशूड स्टैम्प कलेक्टर बाय सम एंड यूज देम टू मेन एनविल्स टूसल ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल एज आई टोल्ड यू जब स्टैम्प कलेक्टर होते हैं जब स्टैम्प इशू होते हैं तो खरीद लेते हैं और अपने आप ही को मेल करते हैं एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ द डेट और पोस्ट मार्क होता है जो उस पर वो डेट प्रूफ करता है उनको खोलते भी चूंकि हमें मालूम था हमी ने पोस्ट किया इसके अंदर तो कुछ ही नहीं तो हमें मालूम था वो एक प्रूफ की तरह रखे होते हैं कि मेरे पास उस टाइम का ये कलेक्शन है स्टैंप कलेक्शन में यही होता है अब आप जाए आज मार्केट से अट्ठारह सौ के स्टैम्प खरीद लाए उन्नीस सौ उन्नीसवी शताब्दी खरीद ला उनकी वैल्यू इससे नहीं होती है क्योंकि वो प्रूव्ड uh, नहीं होते अगर उस पर डाक खाने की मोहर लगी है डेट लिखी है कि तब का है तब प्रूव हो जाएगा है ना तो इसलिए स्टैम्प कलेक्शन में ये बात बहुत ध्यान रखने वाली होती है दे आर नेवर ओपन यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप उसमें जैसे आई यू उसमें आपको ब्लैंक पेपर डालना होता है वो कभी खोले नहीं जाते दैट नाइट अमंग्स माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर उस दिन वो रात में अपने पुराने कवर सारे ओल्ड डे कवर देख रहा था आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बिन देर एक कवर ऐसा मिला जो वहाँ पर पहले नहीं था या नहीं होना चाहिए था बट देर इट वॉज लेकिन वो वहां था इट वॉज देयर बिकॉज समल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट इज होम इन गेल्सबर्ग वो किसी ने इसके ग्रैंड फादर को जो गेल्सबर्ग में एट्टीन नाइन्टी फोर में रहते थे उनको पोस्ट किया था वॉट द एड्रेस ऑन द एनविलप सर जो कि एड्रेस एनविलप पर लिखा बता था बताता है कि उसके ग्रैंड फादर को पोस्ट किया गया था एंड इट हैड बिन देर सिंस जुलाई एटीन एटीन नाइन्टी फोर अब वो जुलाई एटीन 18, एटीन नाइनटी फोर से इसके ग्रैंड फादर पास था द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट ऑल द सेंट दॉन सेंट का स्टैम्प था ब्राउन कलर का था डल ब्राउन विद द पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गाफील गाफील प्रेजिडेंट थे उस समय उनकी उस पर फोटो लगी थी नेचुरली वेन द केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल जब ग्रैंड फादर के पास वो मेल में आया होगा तो उनकी कलेक्शन में रह गया होगा और आज इसने उसको खोला और खोल के देखा तो उसमें क्या लिखा था चार्ली वो चार्ली यानी नरेटर के नाम ही लेटर था जनरली आई टोल्ड यू इनमें लेटर नहीं होते हैं ये खाली होते हैं लेकिन उसमें में लेटर था आई गो टू आई गोट टू विशिंग दैट यू आर राइट और मुझे पता चला उस लेटर में लिखा था कि उसके फ्रेंड सैम ने जो गायब हो गया था उसने वो लेटर लिखा था मुझे मालूम है कि जो तुम कह रहे थे वो सही है देन आई गॉट टू बिलीविंग यू और मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करने लगा एंड चार्ली इट्स ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल और तुम्हें जान के खुशी होगी ये सच है कि थर्ड लेवल है और मैंने उसको पा लिया है आई हैव बीन योर टू वीक्स अब मैं दो वीक से गेल्स बर्ग यानी एटीन नाइनटी फोर में चला गया वो वहाँ रह रहा हूँ एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेली सम वन इज प्लेइंग अ प्यानो अब मैं अपने सामने देख सकता हूँ कोई प्यानो बजा रहा है एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोस्ट सिंगिंग सीम होम वो लोग गाना गाना बजा गाना बजा रहे हैं, रहे हैं हैं यानी लाइव कर जैसे कि इसको भी लगता था 1894 में लाइफ बहुत अच्छी होती है लोग इंजॉय करते हैं आज आदमी इतना फ्री नहीं उसके पास इतना बर्डन होता है एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लैमनेट और मुझे लैमन पार्टी में इनवाइट किया गया ये सब उस लेटर में लिखा था जो उसको एनविलप में मिला था जो कि सैम ने लिखा था चार्ली को एड्रेस करके कम ऑन बैक चार्ली एंड लोईसा

कलेक्शन यहाँ करता था यहाँ कॉइन पुराने इसने भी खरीदे थे पहुंचा तो पता चला सैम ने भी एट हंड्रेड डॉलर के ओल्ड करेंसी खरीदी थी दैट ऑट टू सेट अप इन अ नाइस लिटल है और जिससे कि वो एक अपने भूसे की जानवरों की फोर्डर की जो जानवर खाना खाते हैं उसकी दुकान खोलेगा क्योंकि उस समय वो बिजनेस बहुत चलता होगा है ना उस समय उस बिजनेस की बहुत वैल्यू होगी 1894 में ऐसा ही सैम ने सोचा था एंड वट ही रियली विश्ड ही कैन गो बैक टू हिस ओल्ड बिजनेस अभी अपने पुराने बिजनेस पे जा नहीं सकता था पुराना बिजनेस क्या है सैम का इन फैक्ट वो सैम का अभी का बिजनेस वो साइकेट्रिस्ट है एक मनोरोग चिकित्सक है उस जमाने में ये लोग नहीं होते होंगे अट्ठारह सौ चौरानवे में तो सैम ने सोचा कि वो वो धंधा करेगा वो वो काम करेगा जो अट्ठारह सौ चौरानवे में होता था यानी कि भूसे का जानवरों को जानवर पहले उस समय एग्रीकल्चरल होता एग्रीकल्चर बहुत होता था इरिगेशन होता था और उसने सोचा उस समय ये जानवरों को भूसे की दुकान खोल लेगा वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा ये आज का बिजनेस वहाँ नहीं कर सकता नॉट इन गेल्स वर्क एलि एटीन नाइन्टी वो उस समय उसका, उसका ओल्ड बिजनेस जो कि आई टोल्ड यू साइकैट्रेस का बिजनेस उस समय नहीं चलता हुआ वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट अब इसने सोचा सैम तो इसी साइकेट्रेस था तो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी अब इस स्टोरी से आपको क्या पता चला इस स्टोरी से एक चीज पता चलती है हम लोग को कि सैम जो था उसका साइकेट्रिस फ्रेंड वो भी उसी बीमारी भी से ग्रसित था ही वॉज ऑल्सो हैविंग द सेम इलनेस जो चार्ली के थी चार्ली उससे डिस्कस करता था डिस्कशन में उसने कहीं ना कहीं सैम को कन्विंस कर लिया था ये विश्वास दिला दिया था कि थर्ड लेवल है अब वो थर्ड लेवल है कि नहीं है हम लोग को नहीं मालूम लेकिन सैम अगर हो सकता है कल्पना है तो सैम उस कल्पना में चला चलाएगा और सही में थर्ड लेवल है तो उस थर्ड लेवल में जाने का मौका आपको लाइफ में एक बार मिलता है और वो उस लेवल में जैसे कि ये भी गया था चार्ली गया था लेकिन बदकिस्मती से इसके पास करेंसी नहीं थी वो ट्रेन को बोर्ड करने की जो उसको 1894 के गेल्सबर्ग में ले जाए लेकिन सैम ने ऐसा नहीं किया सैम ने पहले करेंसी इकट्ठी करी अपने उसने जो 800 डॉलर से करेंसी खरीदी फिर वो वहाँ गया और उसको उस थर्ड लेवल मिल गया और वो आराम से ट्रेन में बैठ के चला गया तो वो थर्ड लेवल में पहुंच गया वो पूरी तैयारी से गया था उसने अपने बिजनेस के लिए भी क्योंकि उसको मालूम था कैटरस का बिजनेस उस समय नहीं होता होगा तो उसने उस बिजनेस की भी तैयारी कर ली थी उसने लिटल नाइस लिटल है ग्रेन बिजनेस खोल लिया था अनाज का बिज़नेस खोल लिया था तो दैट वॉज ऑल अब यू नीड टू तो डिसाइड वेदर इट वॉज इमेजिनेशन और या फिर ये एक साइंस फिक्शन है

इसका एक रीजन था थर्ड लेवल वॉज डेफिनेटली मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली बिकॉज चार्ली वॉज अनहैप्पी वो खुश नहीं था अपनी लाइफ से इन द मॉडर्न वर्ल्ड इन मॉडर्न वर्ल्ड लाइक वी आर ऑलवेज अंडर अ बर्डन वी आर नॉट सिक्योर वी एंड ही फाउंड दैट इनस्योरिटी इज द फियर इज वॉर इज दर इज देर एंड ऑल दो कुड कॉज मेंटल टेंशन दिज थिंगजल मेंटल टेंशन इफ एट दैट टाइम रिम्बर एटीन नाइनटी फोर वॉर वॉज दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉर आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स ओनली तोट कड बी अ थ्रेटनिंग ऑफ वॉर वॉज देयर तो हम लोग को भी हमेशा डर लगता है कि इस देश से उस देश में युद्ध ना हो जाए उस युद्ध के बाद कैसा समय आ जाएगा और तो बहुत सारे टेंशन होते हैं उन टेंशन से यू टू गेट रीड ऑफ दिस टेंशन तो आपको बाहर निकलना होता है एंड हिज रिमेंबर वन मोर थिंग हिज हॉबी स्टैम्प कलेक्शन स्टैम्प कलेक्शन एज आई टोल यू आपको हमेशा पास्ट में ले जाती है है ना लुकिंग एट द ओल्ड स्टैम्प ही ड्रेम ऑफ इस पास्ट उसको सपने आते होंगे पास्ट के एंड ही थॉट दैट लाइफ वॉज प्रेटी नाइस एंड गुड देर एंड जब आप कंपेरिजन करते हैं तो जो द थिंग विच इज बेटर द पीरियड विच इज बेटर तो आप उसमें यू वांट टू मूव इन दैट पीरियड तो उसको लगा 1894 में मूव कर जाएंगे तो वो पीरियड ज़्यादा अच्छा होगा तो इस तरह से उसके अंदर डिज़ायर हुआ उस पीरियड में जाने के लिए और वी ऑल नो दैट ग्रैंड ट्रंक दिस सॉरी ग्रैंड सेंट्रल हैड टू लेवल्स ओनली और द फर्स्ट लेवल वाज फॉर द अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेन एंड द सेकेंड लेवल वाज फॉर द सब अर्बन स्टेशन पर ही एंटर डिज मैन देयर कुड बी ए थर्ड लेवल उसने सोचा कि फर्स्ट लेवल में आज के जमाने ट्रेन है सेकंड जमाने में सब अब थर्ड लेवल भी होगा जो और पास्ट में आपको ले अब लेखिए फर्स्ट लेवल जो है वो आपका आज की सोसाइटी है आज की मॉडर्न सोसाइटी है और जो सेकंड लेवल वो उतना मॉडर्न नहीं होगा इन कंपैरिजन है ना तो थोड़ा पीछे का पीरियड होगा तो तो उसने सोचा थर्ड थर्ड लेवल लेवल भी होगा और पीछे ले जाएगा वी कैन से सो बिकेम अ मीडियम फॉर चार्ली तो हम लोग कह सकते हैं वट डू यू कंक्लूड फ्रॉम्स लेटर टू चार्ली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं सैम लेटर टू चार्ली शो दैट द साइकेट्रेस सैम ऑल्सो सफर फ्रॉम द सेम इनलेस सेम इन्स उसको भी थी सेम मेलेडी उसको भी थी बीमारी उसको, उसको भी थी वो भी उससे सफ़र कर रहा था और वो भी उसको लगता था उसको भी लगता था कि वो उससे निकल जाए वो चार्ली की बात सुनता था फाइनली आपको कोई लगातार एक बात बताता रहता है तो आपके मन में भी उस चीज़ के प्रति लाइक यू बिकम इंक्विजिटिव टू नो अबाउट दैट थिंग है ना लाइक क्यूरियस आप उसके लिए क्यूरियस हो जाते है उस जगह जाना चाहेंगे और फाइनली और एक्सीडेंटली यू कैन से चार्ली तो चार्ली फाउंडेड लेवल एक्सीडेंटली है ना बट सैम वॉज प्री प्लान प्री प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग सैम प्री प्लान था प्री pre प्रिपेयर था एज आई टोल्ड यू वो वहां पे करेंसी लेके गया था बिजनेस उसने माइंड में सेट कर लिया था तो ही नेवर हैड एनी आइडिया टू कम बैक तो उसने वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो उसने थर्ड लेवल और उसने कहा था वर्थ वो सच में है और उसने उसको, in fact, उसने उसको insist भी किया था कि वो भी उसको आके ज्वाइन करे अपनी वाइफ के साथ द मॉडर्न वर्ल्ड इज इनसिक्योरिटी फियर वारी वॉर एंड स्ट्रेस वॉट आर द वेज इन विच वी अटेम्प टू ओवरकम दैम अब सबके अलग अलग वेज होते हैं हम लोग अलग अलग वेज होते हैं नाउ तो डेज वी हैव सो मेनी थिंग्स टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग्स है ना लाइक मेडिटेशन एंड सो मेनी थिंग्स आर मैनी दैट सो मेनी चैनल्स दे जस्ट टेल अस द वे टू गेट आउट दिस मेंटल स्ट्रेस एंड वी इवन कंसल्ट डॉक्टर आर साइकेट्रिस्ट भी थे होते थे होते हैं लाइक वी गो टू देम कंसल्ट अब मेनी टाइम वी गेट आउट ऑफ दिस बहुत बार हम लोग इससे निकल भी आते हैं लेकिन डेफिनेटली दिस थिंग्स डू समथिंग दैट क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर ये थिंग्स हम लोग के लिए प्रेशर बनती हैं किसी को पैसे की दिक्कत है समब इज अफ लाइक वर्ड अबाउट इज सैलरी सम्बन इज वर्ड अबाउट इज जॉब फैमिली फैमिली प्रॉब्लम टेंशन सो मैनी थिंग्स आदे है तो कहीं ना कहीं इनसे निकलने का रास्ता हम लोग सब लोग तलाशते हैं तो टुडे तो इट्स अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो दैट कुड हेल्प यू आउट आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं बहुत सारे आपको फ्रेंड्स हैं बहुत सारे काउंसलर्स हैं बहुत सारे साइकैटर्स हैं जिनके पास आप जा सकते हैं लेकिन अब परेशानियाँ भी ज़्यादा हैं पहले इतना थ्रोट कट कंपटीशन नहीं था पहले इतनी मेटरलिस्टिक चीज़ों के पीछे लोग भागते नहीं थे अब बहुत सारा चीज़ है बहुत चैलेंजेस है बहुत कंपटीशन है तो इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं और द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प अस टू गेट आउट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स थिंग एजुकेशन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपका माइंड का जो लेवल है सेटअप है ये सोच को बढ़ाती है है ना आप जल्दी डिप्रेशन में नहीं आते हैं है ना और आप अपने आप को निकाल सकते हो तो एजुकेशन इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू टू गेट आउट फ्रॉम ऑल दीज डिफिकल्टीज डू यू सी एन इंटरैक्ट इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी टाइम और स्पेस का आप स्टोरी में कुछ देखते हैं इंटरसेक्शन क्लियर इंडिकेशन है इसमें क्लियर इंटरसेक्शन है टाइम एंड स्पेस का एक एटीन में आप देखते हैं कि ग्रांड सेंट्रल को आपने देखा है एक मॉडर्न इरा का आज का ग्रैंड सेंट्रल देखा है सैम एक ऐसी लोकैलिटी में रहता है 1894 नाइनटी फोर में जाके रहने लगा और चार्ली जो आज एक मॉडर्न सोसाइटी में रह रहा है सैम जो साइकेट्रिस्ट था उस जमे उसने हे का बिजनेस या ग्रेन्स का बिजनेस कर लिया तो ये कुछ क्वेश्चन थे दैट आर इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर के बैक से भी थे वी डिस्कस दिस क्वेश्चन उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन गो थ्रू यर टी थारली और फिर रिफ्रेशर्स की तरफ अगर आप इफ यू टेक हेल्प ऑफ रिफ्रेशर्स एंड ट्राई टू राइट योर ओन आंसर्स बिकॉज इन बोर्ड टू हेल्प यू इट्स नॉट दैट योर व्हाट योर टीचर टोल्ड स्कूल टीचर्स चेक करते हैं मेरा ही आंसर चेक करो वहाँ पे बोर्ड में किसी को मालूम होगा आपके स्कूल के टीचर ने आपको क्या बताया है ना तो यू गेट योर ओन आंसर रिमेंबर जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो पर्टिकुलर टीचर की पढ़ाई इंग्लिश आपके काम नहीं आएगी है ना योर एंटायर नॉलेज एंड हाउ वर्सल यू आर इन योर लाइक वोकैबलरी वट डी वोकैबलरी तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है पर्टिकुलर नहीं उस टीचर ने कहा मेरा ही लिखो जनरली टीचर तो स्कूल में टीचर्स काट देते हैं कि ये दूसरे ने लिखा है मेरी लैंग्वेज लिखो तो इस तरह से तो आप एक बुक वॉर्म बन जाएंगे ना जिसको विकॉल किताबी कीड़ा जो उन्होंने पढ़ाया रट्टू तोता जो रट के लिख दिया लेकिन आप अपनी ओन सेंटेंस बिल्डिंग या फ्लुएंसी आपके अंदर कभी आ ही नहीं पाएगी और जो बच्चे अच्छे रिजल्ट देते हैं आप हमेशा देखिए वो अपने ओन आंसर्स करते हैं लिखते हैं टीचर्स आपको वैल्यू पॉइंट्स बताते हैं लेकिन आंसर यू कंस्ट्रक्ट ऑन योर ओन उनके बताए आंसर्स पे नहीं और इस समय तो बिल्कुल नहीं ऑनलाइन में वो आपको इन्फ्लुएंस इतना नहीं कर सकते हैं स्कूल में तो आपको काट देंगे आपको फेल कर देंगे बट जनरली डजेंट हैपन इस टाइम तो आप यू कैन राइट योर ओन आंसर्स गो थ्रू दैम और विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर इसमें आप अपने ओन आंसर्स लिखें गेट गुड मार्क So that was the explanation for this chapter. We will do the next chapter the next time. Till then, thank you. Subscribe the channel if you have not done it till now and share it with your friends as well. Thank you.